महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र सदमे में चले गए थे क्योंकि उनके सभी पुत्र युद्ध में मारे गए थे। तब वेदव्यास जी उनको समझाते हुए कहते हैं कि मैं एक दिन स्वर्ग की सभा में गया था जहां सभी देवता उपस्थित थे। तभी धरती देवी आते हैं और सभी देवताओं से कहते हैं कि ब्रह्म सभा में तुम सबने प्रतिज्ञा ली थी कि तुम मेरी रक्षा करोगे, मेरे ऊपर काफी भार हो गया है, कृपया मेरी मदद करो। तब विष्णु भगवान जी कहते हैं गांधार राज की पुत्री गांधारी के 100 पुत्र होंगे जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र कली राक्षस का अंश होगा जो एक ऐसे युद्ध का कारण बनेगा जिसमें कई राजा बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्र लेके एक दूसरे से लड़ने लग पड़ेंगे और लाखों लोग उस युद्ध में मारे जाएंगे। उस युद्ध से फिर से धर्म की स्थापना होगी और ऐसे होगा तुम्हारा भार कम। वेदव्यास जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि दुर्योधन और तुम्हारे बाकी सारे पुत्रों का मरना पहले से ही तय था, तुम्हें इस बात से ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। राक्षस कली का अंश था दुर्योधन। सोचने की बात तो ये है कि कली राक्षस का एक अंश इतने बड़े युद्ध का कारण बन सकता है, तो कलियुग के अंत में जब कली राक्षस खुद प्रकट होगा तब क्या होगा।